दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि पिछले 4 साल से स्मैकडाउन फॉक्स पर ही एयर होते हुए आ रहा है, और कई बार तो दोस्तों इसको दूसरे चैनल पर भी शिफ्ट किया गया था, लेकिन दोस्तों जब से स्मैकडाउन फॉक्स पर ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुआ है तब से अगर देखा जाए तो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप काफ़ी शानदार रहती है। लेकिन दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न अगर देखा जाए तो मौजूदा अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस भी हैं, जो कि काफ़ी बड़ा रोलिंग कर रहता है, जिससे स्मैकडाउन की व्यूअरशिप हमेशा से बेटर ही रहती है। लेकिन दोस्तों अब जो नेक्स्ट वीक जो स्मैकडाउन होने वाला है 21 जुलाई वाला, वो आपको फॉक्स पर देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों दरअसल उस दिन फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप मैच है, और इसके लिए इसकी प्रोग्रामिंग ने काफ़ी ज़्यादा डिमांड किया फॉक्स से कि उसको फॉक्स पर एयर किया जाए। तो दोस्तों इसी वजह से ये आपको स्मैकडाउन जो कि 21 जुलाई वाला है वो आपको FS1 पर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद से स्मैकडाउन आपको फिर से दोबारा से फॉक्स पर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों हम बात करते हैं एज के एक शानदार रिकॉर्ड बनाने पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि लास्ट वीक स्मैकडाउन पर एज ने अपना रिटर्न करके ग्रेसन वालों के साथ मैच लड़ा था, जहां पर वो ग्रेसन वालों को पिनफॉल के जरिए हरा भी देते हैं। लेकिन दोस्तों अब इसी मैच को करने के बाद एज ने अपने नाम एक काफी बड़ा रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। दोस्तों दरअसल PW इनसाइडर के ब्रायन सोलोमन ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि एज ने 4 अलग अलग दशक में लड़ने वाले 7वें रेसलर बन गए। जी हाँ दोस्तों, मतलब दोस्तों एज ने जब से WWE डेब्यू किया उसके बाद से उन्होंने हर एक दशक में मैच लड़ा है। और दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि कोई रेसलर इतने सालों से WWE के साथ है और वो भी 4 अलग दशक में मैच भी लड़ा है, तो ये काफी बड़ी बात है। वैसे दोस्तों एज से पहले ये कुछ रेसलर्स के नाम है जो कि आप लिस्ट देख सकते हैं जो ऐसा कारनामा कर चुके हैं, जिसमें कोला कावर यानी जो कि 1920 से 1950 है, रे स्टीवंस 1950 से 1980 है, अर्नोल्ड स्कॉटलैंड है 1950 से 1980 है, और बॉब बैकलैंड भी है जो कि 1970 से 2000 है, हल्क होगन का भी नाम है 1970 से 2000 है, और रॉडी पाइपर भी जो कि 1970 से 2000 है। यानी दोस्तों ये कुछ ऐसे रेसलर हैं जो ये कारनामा कर चुके हैं, और इसी लिस्ट में अब एज का भी नाम आ गया है जो कि 7वें नंबर पे है। वैसे दोस्तों आपका क्या रिएक्शन है एज के इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने पर, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।